इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार से अपनी मांगों को लेकर आए दिन सरकारी कर्मचारी के संगठन एकजुट होकर मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए लगे हुए हैं। वहीं जिले की आशा उषा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आज पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी कोसा, साथ ही उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, ओआरएस का घोल पिलाओ, मामा जी को होश में लाओ, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, सहित अनेकों नारे उषा एवं आशा कार्यकर्ताओं ने लगाए। इंडियन टीवी न्यूज से उपेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार से अपनी मांगों को लेकर आए दिन सरकारी कर्मचारी के संगठन एकजुट होकर मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए लगे हुए हैं। वहीं जिले की आशा उषा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आज पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी कोसा, साथ ही उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगों को पूरा क्या वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी आशाओं के अलावा वो वाला काम कोई नहीं कर सकता। हम सोचते हैं कि सरकार हमें अगर काम कराती है और डबल काम कराती है तो हमें डबल पैसे चाहिए। पहले हमारे मिशन संचालक के द्वारा जो लागू किया गया था 10,000 रुपये, उसकी मांग कर रहे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें 26,000 रुपये महीना दे जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित ना किया जाए। आप लोग आए हैं आशा उषा दोनों ही पर्यवेक्षक सभी हैं, पूरे प्रदेश में 90,000। कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? हमारी अपनी 14 सूत्रीय मांगे हैं, सरकार को इन मांगों से अवगत तो करा चुके हैं, लेकिन हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते तब तक 26,000 रुपये हर मंथली चाहिए। अगर सरकार ने नहीं मांगी तो क्या करेंगे? सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलते रहेंगे और चुनाव आने पर चुनाव का परिवार सहित बहिष्कार करेंगे। कितनी मांगे हैं आपकी? 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें से 2 प्रमुख मांगे तो हम बता ही चुके हैं, और जो आशाओं का जो यात्रा भत्ता होता है वो पूरा दिया जाए, बीमा होता है वो दिया जाए, मृत्यु होती है तो मृत्यु पर भी जो बीमा मिलता है वो भी दिया जाए, और जो हॉस्पिटल में आशाएं बाहर से आती हैं उनको सुविधाएँ दी जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और जो मिशन संचालक का जो प्रस्ताव जो 24 जून को उन्हें लागू किया था वो प्रस्ताव लागू किया जाए। क्या सब नाम लिखते हैं? इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।